बिहार में बेकाबू होते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने आखिर पूर्ण लॉकडाउन का फैसला ले लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार दूसरी बार पटना की सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया था। इसके बाद उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम एवं अन्य अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग बुला ली थी। इसी मीटिंग में निर्णय लिया गया कि बिहार में संक्रमण को रोकने का अब यही तरीका है। 15 मई तक ये लॉकडाउन किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। पटना हाई कोर्ट ने भी कल बिहार सरकार से पूछा था कि अब सूबे में पूर्ण लॉकडाउन पर क्या निर्णय ले रही है। इस मामले में उचित विचार कर मंगलवार 4 मई तक जवाब देने का निर्देश कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने बिहार में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों को एक बार फिर नाकाफी माना है। इससे पहले आईएमए ने भी बिहार के हालात को देखते हुए 15 दिनों के लिए लॉकडाउन की मांग की थी। राजनीतिक पार्टी की तरफ से भी लॉकडाउन करने की मांग चल रही थी। बिहार में फिलहाल शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है। सभी दुकानें शाम 4 बजे तक बंद हो जा रही है। सभी सरकारी निजी ऑफिस में भी अभी 25% कर्मियों के साथ शाम 4 बजे तक ही खुल रहे हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू का यह नियम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कृषि कार्य, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों और इससे संबंधित कार्यों, ठेले पर फल सब्जी की बिक्री करने वालों, रेस्टोरेंट इत्यादि पर लागू नहीं है। रेस्टोरेंट में रात 9 बजे तक खाना पैक करवा कर ले जाने की सुविधा जारी है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।